अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस लाल कलर के बटन को दबा दें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पलटन, फाइनल टोयोटा ने अपनी और एक SUV लॉन्च कर दी है जो है टोयोटा अर्बन क्रूजर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, वेरियंट्स क्या है, फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल बी बैक। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस होने वाली है वो है 8.4 लाख रुपीस टू 11.30 लाख रुपीस। तो ये उसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट आने वाला है। देखो, ये पूरी की पूरी गाड़ी बेस्ड है मारुति की ब्रेजा के ऊपर। एक्चुअली बात ये है कि ये जो प्रोडक्शन है ये अर्बन क्रूजर का वो मारुति ही कर रही है, लेकिन सेल्स हो रहा है उसका टोयोटा के थ्रू। सब कुछ सेम है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि चेंज किया गया है, बस छोटे मोटे चेंजेस है जो मैं इस वीडियो में वो कवर करने वाला हूँ। बाकी आपने मारुति की जो ब्रेजा है उसके आपने रिव्यूज़ तो देखे ही होंगे, तो बिल्कुल सेम है, पूरी की पूरी इस पे ही बेस्ड है। जैसे कि वो ग्लेंजा पूरी बलेनो पे बेस्ड थी, बिल्कुल वैसे ही। तो इसमें माइनर जो अलॉय में थोड़े बोले चेंजेस किए गए, उसके बाद फ्रंट ग्रिल जो है वो पूरा टोयोटा फॉर्च्यूनर की फ्रंट ग्रिल डाली गई है इसमें। पीछे जो क्रोम पे लिखा था ब्रेजा, उसकी जगह पे अर्बन क्रूजर आएगा। बाकी कोई उसमें चेंजेस किए नहीं गए। माइलेज उसका 18.76 है, पर इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट ही मिलेगा। उसके बाद का 328 लीटर्स का बूट स्पेस है, 48 लीटर्स की फ्यूल टैंक है। और गियरबॉक्स की बात करूँ तो आपको मैनुअल में 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलेगा और ऑटोमेटिक में 4 स्पीड का गियरबॉक्स आपको मिल जाएगा। अब बात करूँगा इसके फीचर्स की। तो सबसे पहला फीचर जो मिलता है वो है मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग व्हील, एडजस्टेबल एक्सटीरियर रेयर व्यू मिरर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। इसके व्हील बेस की बात करूँ तो 2500 nm का व्हील बेस है और इसको इस गाड़ी को 16 इंच के एलॉयज मिलते हैं, जैसे कि ब्रेजा में भी यही ऑफर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसमें डिज़ाइन जो अलॉय व्हील्स की जो डिज़ाइन है उसमें चेंज किया गया, बाकी कुछ नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 6 वेरिएंटी मिलने वाले हैं, जिसमें से 3 मैनुअल है और 3 ऑटोमेटिक है, मिड, हाई और प्रीमियम। यही 3 ऑटोमेटिक में है, AMT, हाई AMT एंड प्रीमियम AMT। यही सारे जो चेंजेस किए गए बस यही, और कुछ इसमें ज्यादा है। तो बल्टन, अगर मैं इस गाड़ी की सेफ्टी की बात करूं तो ग्लोबल एनकैप के हिसाब से इस गाड़ी को 4 स्टार्स की सेफ्टी मिल जाती है। तो ये एक गाड़ी को सेफेस्ट कॉम्पैक्ट SUV कह सकते हैं। तो जो भी चेंजेस हुए थे वो मैंने आपको बता दिए। ये वीडियो में इतना ही था, ज़्यादा लंबी वीडियो बनी नहीं क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं बताने को, जितना था मैंने आपको बता दिया। तो मिलते अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बी हैप्पी एंड मेक पीपल हैप्पी। शुभ केयर, गुड बाय।